हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो हम ज्योग्राफी का डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा, जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ। एमसीक्यूज क्या मतलब, ये वन वर्ड आंसर्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि प्लांटेशन क्रॉप्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती हैं। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं। आई होप आपको पता हो, नहीं पता होगा तो इस चैप्टर में पता चल जाएगा। तो अगर अभी आंसर नहीं पता तो आगे चल के तो बता ही देंगे। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि माइनिंग जो है, माइनिंग इज इट अ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, ये आप बताइए। ठीक है, माइनिंग जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये क्या है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वार्टरनरी है, कौन सी एक्टिविटी है ये? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये किसके अंदर आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी? तो इसको आप सोचिए और इनके आंसर बताइए। चार क्वेश्चन है और आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी बिगिन करते हैं चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर है ये और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे, जैसे फिर से रिवाइज कर लेना क्योंकि याद नहीं हो पा रहा। झूम तो पता रहता है लेकिन मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में ये याद नहीं रहता। लदांग जो है वो कहां पर है, इंडोनेशिया मलेशिया में। अब हम आ जा रहे हैं फ्रेंड्स डिस्कस करने के बारे में, किसके बारे में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। आई होप ये आपको पता होगा कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये मॉनसून रीजन में होता है और मॉनसून एशिया, ठीक है, और इंडिया में ये बहुत ज्यादा होता है, तो इस पे काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पर होता है, मॉनसून एशिया में। मॉनसून एशिया मतलब एशिया के जो रीजन है जब मॉनसून आते हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद कुछ कुछ इंडोनेशिया के रीजन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। दो टाइप के इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होते हैं और इसमें पहला वाला जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। ठीक है, राइट, एक होता है वेट वाला और दूसरा होता है दूसरा। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, जिसके अंदर राइस आता है, और ये जो एग्रीकल्चर है जहां पे यहाँ लिखा है कि डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप। फार्मर्स जो होते हैं दे वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, इसीलिए इसको इंटेंसिव काइंड ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। एक तो लेबर काफी ज्यादा काम करता है और लैंड का काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोला जाता है इसको, और सेकेंड वाले को भी और सब कैटेगरी वाले को, मतलब सब कैटेगरी जो भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आती है उनको इंटेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इंटेंसिव लेबर काफी ज्यादा काम करता है और लैंड पे भी काफी ज्यादा वर्क होता है, इससे लैंड की फर्टिलिटी भी काफी कम हो जाती है, ये नेगेटिव है। इसमें यूज ऑफ मशीनरी लिमिटेड है क्योंकि जो लैंड है वो काफी ज्यादा छोटा है और सारा का सारा काम जो होता है मैनुअल लेबर से होता है, इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते तो ये मशीनरी बाय भी नहीं कर पाते। अभी हमने ट्रक फार्मिंग वगैरह पढ़ा था जो यूएसए में होती है, हमने देखा था कि मशीनरी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर, फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, ये केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं करते, जो मैन्योर वगैरह जो होता है वो इसी को यूज कर लेते हैं इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। देखिए, जरूरत होती है पांच लोग की, काम कर रहे होते हैं 20 लोग, इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ो तो। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अगर आप 15 लोगों को निकाल भी दोगे तो अगर 5 लोग रह जाएंगे, ठीक है, 20 लोग काम कर रहे हैं उसमें से 15 को निकाल दोगे, 5 लोग रह जाएंगे तब भी प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी, तो 15 लोगों की वो जरूरतें नहीं है, तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। अब देख लेते हैं सेकेंड टाइप, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो पैडी को छोड़ के, मतलब राइस क्रॉप को छोड़ के बाकी सब आती है। बाकी सब में क्या क्या आता है, वीट, सोयाबीन, बार्ले, शोरगम आर ग्रोन इन नॉर्दर्न चाइना, और मंचूरिया ये चाइना के अंदर ये, राइट, वर्ल्ड वार टू में मंचूरिया जो था वही रीजन में, जापान ने कब्जा कर लिया था, ये वही मंचूरिया है।
नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान में होता है। इन इंडिया वीट बहुत ज्यादा होती है, और वीट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, नॉर्थ इंडिया में। आप बताइए वीट कहाँ पे होती होगी। वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। तो मिलेट्स मिलेट्स यहाँ पर होती हैं और इंडो गैंगेटिक में वीट होती है। देखिए अब हम जब नेक्स्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्पेसिफिक हम एक एक मिलेट के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि वीट किस किस रीजन में होती है, स्पेसिफिक किस स्टेट में होती है, वहाँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अगर अभी क्लियर नहीं है तो तब हो जाएंगे, उसका ज्यादा वरी मत करना। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये अदर देन वेट जिसमें वीट और मिलेट्स वगैरह ग्रो करी जा रही है आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। तो इरिगेशन ज्यादा यूज होता है इसमें, क्यों? क्योंकि ये उन रीजन्स में होता है जहां पर बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती। राइस वहां पर होता है जहां बारिश ज्यादा होती है, जैसे जैसे कौन से रीजन्स हो गए, जैसे बंगाल हो गया, जैसे कुछ और रीजन्स हो गए। अब आपका ये देखिए थोड़े से डाउट आ जाएंगे जहां आप बोलोगे यार राइस जो है पंजाब में ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा होता है जहाँ बारिश नहीं होती, तो वो भी थोड़ा रीजन है, वो अनफॉर्चुनेट रीजन है उसका। अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। देखिए उसका पॉइंट ये है कि राइस वहां पर इसलिए ज्यादा ग्रो हो रहा है क्योंकि वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है, वीट भी इसलिए उन्हीं रीजन में ज्यादा ग्रो हो रहा है, लेकिन वहां पर इरिगेशन को ज्यादा यूज किया जा रहा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राइस कहाँ पर ग्रो होना चाहिए, तो राइस वहां पर ग्रो होना चाहिए जहां पर रेन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, रेन बहुत ज्यादा हो रही है, मैक्सिमम रेन जहां पर हो रही है इंडिया में। लेकिन ऐसे रीजन्स में इशू क्या है, लैंड जो है ना वो सही नहीं है। लैंड सही नहीं है मतलब छोटे छोटे लैंड है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो गए। जैसे बिहार में आप देख लो जहां पर रेन बहुत ज्यादा होती है, वेस्ट बंगाल देख लो जहां पर रेन बहुत ज्यादा होती है। रियलिटी में तो इन रीजन्स में बहुत ज्यादा राइस होना चाहिए था, और भी जितने रेनी रीजन्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइस जो है वो आप देखोगे तो तमिलनाडु में भी हो रहा है, वेस्ट केरल में भी हो रहा है, और आप कुछ रीजन्स देखो पंजाब में बहुत ज्यादा हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, ऐसे वीट भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो ये थोड़ा क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल यूपी, पंजाब, हरियाणा और कुछ अदर रीजन्स में हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स में, तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में वहीं पे सक्सेसफुल हो पाया है, और यूपी में भी सिर्फ वेस्टर्न यूपी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइस और वीट ज्यादा ग्रो किया जाता है, जो थोड़ा क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से पानी की कमी है और भी काफी सारे इशू हो रहे हैं, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो जमीन से निकल के आ रहा है, यूरेनियम काफी निकल के आ रहा है जमीन से, फ्लोराइड निकल के आ रहा है, तो ये सब इशूज हो गए। तो बात यह है कि एक पॉइंट होता है कि कहाँ पर एग्रीकल्चर किस क्रॉप का करना चाहिए, दूसरा और क्या रियलिटी में हो रहा है, ये दोनों चीजें आपको समझनी होंगी, ये आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर देगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं हो रहे तो हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे इंडिया वाली वहां पर पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एज मेंशन्ड अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमेशा से इंडिया में नहीं होता था, और भी रीजन्स में जैसे आप पढ़ेंगे श्रीलंका और भी जो रीजन्स और भी कंट्रीज हो गए वहां पर भी यूरोपियंस ने ही इंट्रोड्यूस किया है। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब प्लांट होता है, प्लांट, ठीक है, प्लांट उगाया जाता है इनका, किस किस का, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास, पाइन एपल्स। याद रख लो इनके एग्जाम्पल, काफी बार पूछ लिए जाते हैं ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। तो मैंने आपसे पूछा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या प्लांटेशन क्रॉप होती है, आंसर है हाँ, क्योंकि टी वहां पर ग्रो काफी की जाती है, असम टी, दार्जिलिंग टी आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप याद रखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्लांटेशन क्रॉप्स की। देखिए लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशंस, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए यूरोपियंस लाए थे और यूरोपियंस ने काफी पैसा लगाया और उससे ज्यादा उन्होंने रिटर्न लिया। मैनेजेरियल टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन चाहिए होता है, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब जहां पर टी होती है वहां टी होती है, पूरे टी के बाग दिखेंगे। जहां पे कॉफी होती है जैसे साउथ इंडिया में कॉफी होती है कर्नाटक वगैरह रीजन, केरल, वहां पर सिर्फ वो होती है कॉफी। चीप लेबर ज्यादातर फीमेल लेबर यूज होता है क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए होती है, एक एक पत्ते में से निकालना पड़ता है। एंड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स द स्टेट्स टू द फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स।
फ्रेंच, अब देखिए थोड़े थोड़े एग्जाम्पल याद रखना, फ्रेंच एस्टेब्लिश कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका याद रखना, ठीक है। ब्रिटिश ने कहा कहा करे टी गार्डन इंडिया में और श्रीलंका में, रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज, स्पेनिश और अमेरिकन इन्वेस्टेड हैविली इन कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन दी फिलीपींस, डच वंस हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन प्लांटेशन इन दी इंडोनेशिया, सम कॉफी फेजेंडास लार्ज प्लांटेशन इन ब्राजील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियंस। तो पूरे यूरोपियंस ने पूरी दुनिया में प्लांटेशन क्रॉप उगा दी है। तो कहा भी जाता है कि ये ब्रिटिश चले गए, चाय छोड़ गए, ठीक है। चाय इंडिया में उससे पहले इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। द स्लोप ऑफ हिल्स आर यूज फॉर टी प्लांटेशन बिकॉज ऑफ फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी चाहिए होती है, थोड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है सन से, और हिल्स में पानी रुकता नहीं है। हिल्स में अगर बारिश होगी पानी चलता रहेगा, समझ रहे हो ना, तो रनिंग वाटर होना चाहिए। अगर पानी एक जगह रुक जाएगा तो वहां पे नहीं हो सकती, पानी अगर एक जगह रुकेगा तो वहां पर राइस क्रॉप होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे, आप जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स देखते रहोगे। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ लिया, आप कुछ और देख रहे हैं, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इन सबको आप नोट्स बना के पढ़ना तो अच्छा रहेगा। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड्स। वीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप, दो अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न बाले ओट्स राई आर ऑल्सो ग्रोन, द साइज ऑफ द फार्म्स आर वेरी बिग, वेरी बिग। देखिए और ये सब मैकेनाइज्ड होते हैं, देयर इज लो यील्ड पर एकर बट हाई यील्ड पर पर्सन। देखिए लोग जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो किलोमीटर में फैले हुए होते हैं ये, और वहां पर एक ही दो आदमी अपने ट्रक से ट्रैक्टर से चलाते रहते हैं, और काफी लोग तो जहाज भी यूज करते हैं, यस एरोप्लेन भी यूज करते हैं फर्टिलाइजर डालने के लिए, क्या पेस्टिसाइड्स डालने के लिए, एरोप्लेन को भी यूज करते हैं। आपने कभी कभी कोई वीडियो देखा हो यूट्यूब पे या डिस्कवरी चैनल पे देखा हो, तो ये मैकेनाइज्ड होती है पूरी की पूरी, ट्रक फार्मिंग भी कही जाती है इसे। यहाँ पे लो यील्ड पर एकर होता है क्योंकि बड़े बड़े लैंड होते हैं, उनको इतनी परवाह नहीं होती कि एक एक लैंड में ज्यादा ज्यादा हो गए। हमने अभी देखा था इंटेंसिव एग्रीकल्चर में जो इंडिया में होता है, वहां पर यील्ड पर एकर बहुत ज्यादा होती थी बट लो यील्ड पर पर्सन थी, यहाँ उल्टा है, तो इसे ऐसे याद रखना। तो ये मैकेनाइज ग्रेन फार्मिंग भी बोलते हैं और भी नाम है ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए मैप भी दे रखा है कहाँ कहाँ होती है। देखिए मिड लैटिट्यूड हमने पढ़ा था, मिड लैटिट्यूड ये रहा, मिड लैटिट्यूड आप देखो तो 40 डिग्री के आसपास, ठीक है, जीरो से 90 होता है, बीच में कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के आसपास आप लैटिट्यूड में देखोगे। यहाँ देखो नॉर्थ अमेरिका में ये रहा रीजन, यहाँ कॉर्न मॉन होते हैं, और ये रहा यूरोप का रीजन, ये ब्लैक सॉइल वगैरह यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, तो ये कॉटन यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये देखिए आप मिड लैटिट्यूड सदर्न रीजन में आप देखो तो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे देखिए अफ्रीका रीजन, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंडिया में नहीं होगी, इंडिया में देखिए क्यों नहीं होती, एक तो लैंड ही इतने छोटे, इतने बड़े है ही नहीं यहाँ पर, उसके बाद थोड़े इन चीजों के लिए सुइटेबल भी नहीं है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरोशियन स्टेपेस, ठीक है, स्टेपे यूरोशियन स्टेपे एंड द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना याद रखना ये नाम, वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेपे कहाँ पर है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में, दोनों में है, ठीक है। और प्रेरीज कहाँ पर है, अमेरिका में, पैम्पास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, ये वेल्ड कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, याद रखना इनके एक एक नाम, कैंटरबरी भी याद रखना एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मिक्स फार्मिंग पे आ जाते हैं, मिक्स फार्मिंग क्या होती है, पढ़ते हैं इसे, देखिए। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ द यूरेशिया एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट्स। मिक्स्ड फार्म्स आर एसोसिएटेड, आर मॉडरेट इन साइज एंड यूजुअली द क्रॉप्स एसोसिएटेड विद इट आर व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जो मेरे को आपको सबसे पहले बताना चाहिए था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ये है यहाँ पे मिक्स फार्मिंग का मतलब है, एम मतलब मिक्स और एफ मतलब फार्मिंग, कि इसमें एग्रीकल्चर भी होगा क्रॉप्स का, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल फार्मिंग भी चलेगी, ठीक है। तो इसमें या तो वो
शीप्स को, गोट्स को या हैन को, हैन को अगर रखेंगे तो पोल्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपके नाम क्लियर होते जा रहे होंगे। और मिक्स फार्मिंग में एग्रीकल्चर प्लस एनिमल फार्मिंग दोनों चीजें रखी जाती हैं, राइट। अब इसमें लिखा था कि फॉडर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फॉडर क्रॉप्स इसलिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये जो है ये एनिमल्स को खिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कॉर्न जब होते हैं ना यूएसए में, कॉर्न जो होते हैं वो हैन को या चिकन को खिला दिया जाता है जिससे वो हेल्दी भी हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखा जाता है कि कॉर्न भी अच्छी क्वांटिटी में हो। तो आई होप आपको मिक्स फार्मिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिक्स क्रॉपिंग से ये अलग अलग है, इंटरक्रॉपिंग से ये अलग है। ठीक है, उसमें क्रॉप्स ही होती है, उसमें एनिमल्स नहीं होते, या मिक्स फार्मिंग में एनिमल भी होते हैं। फॉर्डर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग भी फॉलो किया जाता है, लेकिन याद रखना कि मिक्स फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन में डिफरेंस भी आ सकता है क्योंकि मिक्स फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या फॉलो किया जाता है, क्रॉप रोटेशन में ये फॉलो किया जाता है कि एक टाइम में एक क्रॉप उगाई गई, फिर अगले टाइम में उसी जगह अलग क्रॉप उगाई गई। तो इससे क्या होता है, देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स सुने होंगे, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन इससे सॉइल में ज्यादा हो जाती है, फिर आप उसके बाद कुछ और क्रॉप उगा सकते हो। उसके साथ साथ एक और टेक्निक फॉलो की जाती है कि जैसे आपका लैंड काफी बड़ा है तो कुछ लैंड में एक टाइम में क्रॉपिंग करी, फिर उसको बैरन छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, फिर उसके फिर 6 महीने बाद उस लैंड में फिर से क्रॉपिंग करी, फिर दूसरे को खाली छोड़ दिया। ऐसे इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स लाइक कैटल, शीप्स, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विद क्रॉप्स। तो पोल्ट्री मतलब हैन चिकन वगैरह रखना, ठीक है। कैटल, शीप और पिग्स तो आपको पता होंगे, कैटल में गाय वगैरह, बफेलो, ये सब रखा जाता है। मिक्स फार्मिंग इज कैरेक्टराइज बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी। बड़ी बड़ी मशीनरी रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को रखना इतना आसान नहीं है। बिल्डिंग एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रेन मैन्योर्स एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर। तो ये चीजें हैं कि इज कैरेक्टराइज बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होता है, ग्रेन मैन्योर्स भी होता है, और ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज। तो हर कोई नहीं कर सकता, ट्रेनिंग चाहिए होती है। अब डेयरी फार्मिंग पे आ जाता है जो इंडिया में भी काफी होता है। डेयरी फार्मिंग जैसे गुजरात में अमूल ने काफी पॉपुलर करा है। तो डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट एनिमल एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स मतलब जो दूध देते हैं। इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज। वेटरनरी सर्विसेज मतलब जो एनिमल को, एनिमल के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उन सबको देखना, आइडेंटिफाई करना कौन सा एनिमल कितना दूध देगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस एनिमल का सही करना, ठीक है, वो सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम जो है मिक्स फार्मिंग का है, तो देख सकते हैं आप यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, उसके बाद अगेन मिड लैटिट्यूड्स में होता है, ठीक है, मिड लैटिट्यूड होता है याद रखना। और देखना ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं हो रहा है, तो देखिए आप यहाँ पर कितने ज्यादा हो रहा है मिक्स फार्मिंग, यहाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ लैटिन अमेरिका में हो रहा है, फिर आप देखो तो अफ्रीका में हो रहा है। याद रखो इंडिया में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर नहीं है। इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव एज इट इन्वॉल्व रिगरस केयरिंग एंड फीडिंग एंड मिल्चिंग। देर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप रेजिंग। इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं होता डेयरी फार्मिंग में। और इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये जो होती है डेयरी फार्मिंग, ये जनरली अर्बन एरिया के पास होती है क्योंकि फ्रेश मिल्क उनको रोज प्रोवाइड कराना होता है। और इंडिया में, इंडिया जो है सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है दुनिया में, याद रखना आपको। द लार्जेस्ट इज, देर आर थ्री मेन रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। द लार्जेस्ट इज नदर्न वेस्टर्न यूरोप, द सेकेंड इज कैनेडा, थर्ड बेल्ट इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि डेयरी जो दूध जो होता है सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है, लेकिन डेयरी फार्मिंग के जो बड़े बड़े रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है, सेकेंड इज कैनेडा, एंड थर्ड बेल्ट इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया। तो इसमें थोड़ा इंडिया को वर्क करने की जरूरत है। जैसे न्यूजीलैंड क्या करता है, न्यूजीलैंड देखिए काफी ज्यादा अच्छा काम क्या करता है, वो सबका सब एक्सपोर्ट कर देता है क्योंकि वहां पर ज्यादा मार्केट नहीं है, ठीक है, मिल्क पाउडर वगैरह बना के वो एक्सपोर्ट कर देता है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट रीजन अलग अलग टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं। इंडिया जो है सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको डेयरी फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे सबसे ज्यादा दूध की प्रोड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पर गाय जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है,
उसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, अगर ऑप्शन में दे रखा है कि नीदरलैंड की गाय है और इंडिया की गाय है, कौन सा ज्यादा दूध प्रोड्यूस करती है, तो आंसर होगा नीदरलैंड की गाय। ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। अब आ जाते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में, इसमें याद रखना कि सिट्रस फ्रूट जिसमें रस होता है, रस वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं यहाँ थोड़ा सा नमी रहती है, नमी ठीक है, ह्यूमिडिटी रहती है एनवायरमेंट में, तो उससे थोड़ा रस ज्यादा होता है, अच्छा रहता है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। और ये देखिए वाइनयार्ड स्विट्जरलैंड में, ये कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स इन अ कलेक्टिव फार्म ऑफ कजाकिस्तान, तो यहाँ के सेब भी काफी अच्छे होते हैं, ऑरेंजेस भी काफी अच्छे होते हैं वाइनयार्ड स्विट्जरलैंड की। वहां पे आपको पता होगा कि जो यूरोप की अल्कोहल है काफी पॉपुलर है, काफी नोन है, तो ये स्विट्जरलैंड का हो गया। और इंडिया में नासिक वगैरह रीजन में है। तो ये आ गया एरियाज ऑफ डेयरी फार्मिंग। ये देखिए हमने तीन रीजन पढ़े थे, तो कनाडा के, सेकंड यूरोप का, थर्ड हमने रीजन पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ठीक है, ये तीन रीजन आप याद रखना डेयरी फार्मिंग के लिए। और कहाँ पर होती है ये, अगर हम देखें कि अभी अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन की, इट इज प्रैक्टिस इन द कंट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। आई होप आपको मेडिटेरेनियन सी पता होगी, ये जो रीजन है ये मेडिटेरेनियन रीजन है। ठीक है, सी इन यूरोप एंड इन नॉर्दर्न अफ्रीका फ्रॉम ट्यूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस रीजन इज इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। ये याद रखना, विटीकल्चर, विटीकल्चर मतलब दारू का, मतलब ग्रेप्स का। ठीक है, विटीकल्चर और ग्रेप कल्टिवेशन इज द स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन। द इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट्स, याद रखना है इसको, इनको ऐसे वर्ड्स यूज करना, इंफीरियर ग्रेप्स जो होते हैं आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट्स। द रीजन आल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स एंड फिग्स, अंजीर जिसे बोलते हैं। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर्स व्हेन देयर इज ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स। तो ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है इसकी बड़ी एक स्पेशलिटी है कि समर्स में रेन नहीं होती, विंटर्स में रेन होती है, तो ये इसके लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो वैल्यूएबल क्रॉप्स है वो विंटर में प्रोड्यूस कर देता है। अब सेकंड हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, मार्केट गार्डनरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो वेजिटेबल फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह बहुत ज्यादा होंगे, हॉर्टिकल्चर का मतलब ये होता है, एंड दे आर सोली फॉर दी अर्बन मार्केट्स। आप समझ ही सकते हैं ज्यादातर जो होता है अर्बन मार्केट में यूज किया जाता है, जो गाँव के लोग होते हैं वो तो दाल चावल ज्यादा खाते हैं। Farms are small and are located where there are good transportation. तो इनको जल्दी से ट्रांसपोर्ट करना होता है, साथ साथ आप समझ सकते हो कि कोल्ड चेन चाहिए होती है। कोल्ड चेन से मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको प्रोटेक्ट रखना होता है, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वरना ये जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, इनको पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव एंड ले एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इरिगेशन, हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेस एंड आर्टिफिशियल heating in colder regions. This type of agriculture is well developed in densely populated industrial districts of Europe, Northwest Europe, Northeastern USA and Mediterranean regions. The Netherlands specializes in growing flowers and horticulture crops, especially tulips, which are grown to all major cities of Europe. The region where farmers specialize in vegetable only, the farming is known as truck farming. So, I काफी टाइम से truck farming word use कर रहा था, इसको truck farming इसलिए कहा जाता है। तो इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है कि जहां पर वेजिटेबल पे स्पेशलाइज होते हैं ना फार्मर, इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। द डिस्टेंस, अब इसको ट्रक फार्मिंग क्यों बोलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हैज द नेम ट्रक फार्मिंग। तो मतलब ये बोला जाता है कि दो ट्रक दूर है, तीन ट्रक दूर है। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन टेक कवर ओवरनाइट। तो डिस्टेंस जो होता है ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट, जहाँ पे ट्रक फार्म्स का मतलब है जहाँ पर ये वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो की जा रही है, फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट। तो जनरली एक ट्रक का डिस्टेंस होता है कि ठीक है आपने वेजिटेबल्स उगाई और रात में ट्रक को चलाया जाएगा, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो जनरली एक ट्रक का होता है, कभी कभी दो ट्रक का भी डिस्टेंस हो जाता है, जनरली एक ट्रक का होता है। ठीक है, वहाँ पे रोड्स होती हैं काफी अच्छी होती हैं, तेज चलते हैं ट्रक, आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में। In addition to market gardening, a modern development in the industrial regions of Western Europe and North America is factory farming. ठीक है, कुछ कुछ technical words आ रहे हैं, इन सबको notes बनाते रहिए तो आपको याद रहेंगे, otherwise एक दूसरे में confuse हो सकते हो। A modern development in the industrial regions of Western Europe and North America is factory farming. Livestock, particularly poultry and cattle,
rearing is done in stalls and pens, fed on manufactured feed stuff and carefully supervised against diseases. This requires heavy capital investment in terms of building machinery for various operations, veterinary services and heating and lighting. One of the important features of poultry farming and cattle rearing is breed selection and scientific breeding. तो ऐसे करा जाता है कि अगर कोई female male मतलब एक किसी और रीजन से ले लिया, दूसरा किसी और रीजन से ले लिया, मतलब ऐसे ले लिया. देखिए एक फीमेल जो है उसकी हेल्थ अच्छी है और फीमेल जो है वो दूध ज्यादा देती है और मेल की हेल्थ अच्छी है, तो दोनों को ब्रीड करा के नया प्रोड्यूस कराया गया, तो उससे क्या होता है, हेल्दी स्ट्रॉन्ग नया ब्रीड आता है. तो ये सब चीजें थोड़ी साइंस वगैरह इन्वॉल्व होती है, रिसर्च इन्वॉल्व होती है, तो इसमें पैसे काफी ज्यादा लगते हैं. एक चीज याद रखिए, ये जो झूम कल्टीवेशन हो गई या इंडिया की इंटेंसिव कल्टीवेशन हो गई, इसके अलावा सब में पैसा काफी ज्यादा लगता है एग्रीकल्चर में. तो इंडिया में भी अब कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़े उपाय जा रहे हैं. ये देखिए, वेजिटेबल्स बीइंग ग्रोन इन द विसिनिटी ऑफ द सिटीज, वेजिटेबल्स बीइंग लोडेड इनटू अ ट्रक एंड साइकिल पार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू सिटी मार्केट्स. तो ट्रक जो होते हैं बॉर्डर तक लाते हैं, बॉर्डर से ये ऑटो वगैरह में ले लेते हैं या रिक्शा में ले लेते हैं या डिफरेंट चीजों में ले लेते हैं. ठीक है, this type of farming can also be categorized according to farming organization. Farming organization is affected by the way in which farmers own their farms and various policies of the government which help to run these farms. So government ki policies काफी important hoti hai, aapne isliye farmers movement bhi dekha hoga. ab cooperative farming pe aa jate hain jis pe काफी ज्यादा focus kara ja raha hai india mein. cooperative farming, a group of farmers form a cooperative society by pooling in their resources voluntarily for more efficient and profitable farming. तो देखिए इसमें voluntary होता है, मतलब farmers खुद मिलके साथ में आते हैं, तो बोलते हैं कि अगर हम सब मिलके farming करें तो हमारे जो छोटे छोटे land हैं, हमारे जो resources उसका best utilization हो सकता है. साथ साथ हमारी एक committee बन जाएगी, हम सब मिलके better price से deal कर पाएंगे बड़े बड़े market के traders से, right? I hope ये वाला point आपको clear हो रहा होगा. तो आप समझ लीजिए, मैं और आप farming करते हैं और हम सब ज्यादा कमा नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ लैंड बहुत छोटा है, तो हम वहाँ भी इंटेंसिव फार्मिंग ही कर रहे हैं. अब मैं और आप डिसाइड करें कि अपनी ईगो को साइड रखते हैं और हम आप मिलके फार्मिंग करते हैं. ऐसे ही हमने 10 लोगों को और मिला लिया तो हमारा लैंड हमारा ही रहेगा, लेकिन हम जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर वगैरह करेंगे और रिसोर्सेज को भी शेयर कर लेंगे. मतलब कैसे, जैसे ट्रैक्टर आपने ले लिया और मैंने केमिकल फर्टिलाइजर्स ले लिए, तो इससे हम दोनों का कोऑपरेशन चल के एक अच्छी फार्मिंग हो जाएगी. तो इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव. तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये होता है आपका लैंड आपका रहता है. कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है दुनिया भर में सक्सेसफुल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ कहाँ पॉपुलर हुआ है, यहाँ पर कुछ कुछ कंट्रीज के नाम भी लिखे हुए हैं. और कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड ओवर अ सेंचुरी अगो एंड हैज बीन सक्सेसफुल इन मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सच एज डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली. इन डेनमार्क द मूवमेंट has been so successful that practically every farmer is a member of cooperative. ठीक है, तो cooperative जो है काफी important चीज़ है. cooperative जो है वो fundamental right भी है article 19 के अंदर, पता होगा आपको. collective farming जो होता है इसमें और cooperative farming में फर्क ये है, काफी लोग confused रहते हैं. collective farming में आपका land नहीं होता है, सरकार आपको land दे देती है. अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं. basic principle behind this type of farming is based on social ownership of the means of production and collective labor. Collective farming or the model of coal coast was introduced in erstwhile Soviet Union to improve upon the inefficiency of the previous methods of agriculture and to boost agriculture production for self-sufficiency. याद रखिए collective farming और cooperative farming में फर्क ये है. collective farming में आपका land नहीं होता, government आपको land देती है. ये पहले तो क्या करती है government, social देखिए socialism जहाँ होता है वो वहाँ follow करते हैं. जो भी land होता है वो सब सरकार का होता है, आपको कोई land नहीं होता. सरकार बोलती है, सरकार आपको हायर करती है एज एम्प्लॉयज और बोलती है कि चलिए आप सब मिलके काम करिए और प्रोडक्शन सुधारिए. तो ये जो है काफी फॉलो किया गया था रशिया में वर्ड यूज करना सही नहीं रहेगा, यूएसएसआर में. ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द सोशल ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर. कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कोलजो वॉज इंट्रोड्यूस इन एर्स्टवाइल सोवियत यूनियन टू इम्प्रूव अपॉन द इनएफिशिएंसी ऑफ द प्रीवियस मेथड्स. प्रीवियस मेथड्स सही नहीं चल रहे थे, जहाँ इंडिविजुअल फार्मर्स काम करते थे उनको बोलो सब मिलकर काम करो. द फार्मर्स यूज टू पूल in all their resources like land, livestock and labor. However, they were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirements. So, इसका मतलब ये है friends, देखिए सारा का सारा land जो है वो सब तो government का है, सरकार का है या किसी का नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है state का है, या काफी बार ये भी बोला जाता है किसी का नहीं है. लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा land आपको दे दिया जाता है जिससे आपकी कुछ daily needs चलती रहे. ठीक है, मतलब सब farmers को छोटा छोटा सा कुछ land दे दिया जिससे आपका खाना पीना चलता रहे.
तो ये चीजें हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। माइनिंग पे आ जाते हैं, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस की गई है। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आप समझ सकते हो माइनिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट माइनिंग। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स, इंक्लूड साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। तो मतलब कैसे डिपॉजिट्स हैं, अगर आपके पास अच्छे डिपॉजिट नहीं है तो आपका अच्छा नहीं चल सकता। जैसे यूरेनियम इंडिया में नहीं होता तो इंडिया में जो है वो न्यूक्लियर डील करनी पड़ती है विद डिफरेंट कंट्रीज सच एज जापान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और थोरियम आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप जो है वो, अगर आप यूरेनियम आपके पास आ जाए तो आप सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हो। तो थोरियम है आपके पास, ऐसे ही आपके पास काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें नहीं है। जैसे चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल है, इंडिया के पास वो नहीं है, राइट। ऐसे ही इंडिया के पास आयरन है लेकिन आयरन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोल है कोल की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। साथ ही जो कोल होता है वो बिटुमिनस कोल होता है इंडिया में। और इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज डिमांड फॉर मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यूज्ड कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब चीजें हैं। आई होप आप इन सबको तो आसानी से समझ जाओगे कि फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं माइनिंग के लिए। ये ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और मेथड्स ऑफ माइनिंग वगैरह, मेथड्स ऑफ माइनिंग देख लेते हैं। सरफेस दो टाइप की होती है, तो सरफेस माइनिंग ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग इज द इजिएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट अकर क्लोज टू द सरफेस। ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो इन दिस मेथड, द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड बेटर। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट जो होती है सच एज सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो, क्योंकि ऊपर से ही हो रही है सब कुछ, अंदर नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। When the ore lies deep below the surface, underground mining method, shaft method, has to be used. In this method, vertical shafts have to be sunk from where underground galleries radiate to reach the minerals. इसमें बहुत deep में होते हैं minerals, ठीक है? This time, this method is risky, poisonous gases, fires, floods, and caving in led to fatal accidents. तो ये सब जो आप सुनते हो ना, accident हो गए कि काफी miners मर गए, coal miner मर गए, उसमें ये second technique ही होती है। जिसको वर्टिकल माइनिंग भी बोला जाता है या अंडरग्राउंड माइनिंग भी बोला जाता है जिसको, ठीक है। इसमें थोड़े से इश्यूज रहते हैं, डेंजरस रहता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा चाहिए होती है। द डेवलप इकोनॉमिक्स आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट। तो जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए, यूरोप की कंट्रीज, वो बोल रहे हैं हम माइनिंग नहीं करेंगे, माइनिंग जो होगी वो डेवलपिंग कंट्रीज में होगी और हम उनसे इम्पोर्ट कर लेंगे उनका रॉ मटेरियल। While the developing countries with a large labor force and striving for higher standard of living are becoming more important. So, just developing country, India, Africa ke regions, ya China ho gaye, yahan par kafi zyada mining hoti hai aur developed countries mein nahi hoti. Ek to wahan par labor bhi bahut costly hota hai. Second cheez ye hai, pollution bhi karta hai. Third cheez isse thoda galat activity bhi mana jata hai. Fourth cheez iska reason ye hai ki wo apne jo mines wagera hai unko protect rakhna chahte hain ki aage chalke agar zarurat padi to hamare paas to mine rahenge, hum tab tak dusre countries se mines le lete hain. मतलब मिनरल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर 50% ऑफ द अर्निंग्स फ्रॉम मिनरल्स अलोन। मिनरल्स से इनकी काफी ज्यादा अर्निंग चल रही है। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया, आई होप इसके आंसर आप कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, आराम से करते हैं चाहिए आपको, ठीक है, पढ़ने के बाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। तो मैंने इसको आपको एग्जाम्पल भी दिया था, यूरोप का कंट्री है और यूरोप के इसमें तीन कंट्रीज दे रखे हैं। अगर मैं रशिया को भी यूरोप में डाल दूं तो उनमें से आप बताइए किसका आंसर है। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज, व्हाट इज कॉल्ड एज, तो जो मोस्ट सही आंसर हो उसको आंसर देना, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो फैक्ट्री भी लग रहा है मुझे, फ्लोरिकल्चर भी लग रहा है, जो बेस्ट हो वो देना आंसर। जो द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप बाई यूरोपियन कोलोनिस्ट, सोचिए इसके बारे में, यूरोपियन कोलोनिस्ट ने कौन से दिए, हमने तो अच्छे से बहुत ज्यादा डिस्कस करा है, इसके एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। एक बार एमसीक्यूज पर फिर से एक बार नजर मार लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड, इसका आंसर भी आप बता ही सकते हैं श्योरली आप। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप इन सबके आंसर जितने भी एमसीक्यूज दे रखे हैं, आठ के आठ एमसीक्यूज के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, मोनोकल्चर किसमें नहीं होता, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपने इसको थोड़ा सा समझ गए हो तो। Which one type of agriculture amongst the following is called as slash and burn agriculture? Example three है, मैंने सबसे पहले lecture के शुरू में इसका example दिए थे। I hope आप इसका answer दे पाओगे। In which of the following types of agriculture is the farming of citrus fruits very important? Citrus fruit आपको पता होना चाहिए क्या है, फिर आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है और रीजन क्या है वो भी पता होना चाहिए, सबके रीजन भी याद रखें।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सबके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी डाउट हो आप रेज कर सकते हैं, उसका मैं आंसर दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो SYE Academy को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव ए गुड डे।